वानखेड़े में दहाड़ा वेंकटेश अय्यर का बल्ला 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से उड़ाई मुंबई के गेंदबाजों की धज्जिया। सीजन 16 के पहले भारतीय बने जिन्होंने जड़ा है शतक, अब बना सकते हैं भारतीय टीम में जगह। मुंबई के गढ़ में अय्यर का है तांडव। दोस्तों बताएंगे आपको वानखेड़े स्टेडियम में कैसे गरजा वेंकटेश का बल्ला। अब बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए इसी तरह के क्रिकेट अपडेट और न्यूज। दोस्तों मुंबई इंडियंस के गढ़ कहे जाने वाले वानखेड़े स्टेडियम में जब वेंकटेश का बल्ला गरजा तो मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गई। जहां एक और दूसरे खिलाड़ी पिच पर रन बनाने में स्ट्रगल करते नजर आए, वहीं वेंकटेश अय्यर ने मुंबई के गेंदबाजों को जमकर धोया। उन्होंने 51 गेंदों में 6 चौके और 9 छक्कों की बदौलत 104 रन बना डाले। उनके शतक की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स 185 रन के फाइटिंग स्कोर तक पहुंच पाई। आपको बता दें कि ये सीजन का दूसरा शतक है, वहीं किसी भारतीय का इस सीजन में ये पहला शतक है। दोस्तों जहां कोलकाता के सारे बल्लेबाज जल्दी आउट होते जा रहे थे, वहीं ये खिलाड़ी ने जहां एक तरफ कोलकाता की पारी को न केवल संभाले रखा बल्कि लगातार चौके और छक्कों की झड़ी लगाकर रख दी। अय्यर ने 23 गेंदों में अपना 50 पूरा किया, लेकिन ये खिलाड़ी इतने में ही नहीं रुका और लगातार रन बनाते रहे और अर्धशतक तक पहुंचा दिया। आपको बता दें कि आज सुपर संडे के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और कोलकाता मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने थे। टॉस मुंबई ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुंबई ने इस फैसले की वजह से कोलकाता पहले बल्लेबाजी करने आई और उनके ओपनर्स आज कुछ खास कमाल नहीं कर सके। कोलकाता का पहला विकेट 11 रन पर जगदीशन के रूप में गिरा, जिसके बाद वेंकटेश बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने गुरबाज के साथ मिलकर 46 रनों की पार्टनरशिप की, मगर गुरबाज आज भी कुछ खास नहीं कर सके और 8 रन के निजी स्कोर पर पीयूष चावला के शिकार हुए। इसके बाद पिछले मैच के स्टार बल्लेबाज और कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा बल्लेबाजी पर आए। उन्होंने 10 गेंदों पर मात्र 5 रन का सहयोग दिया, लेकिन जहां एक तरफ उन्होंने इतने बड़े बड़े बल्लेबाज बिना योगदान दिए वापस जा रहे थे, वहीं वेंकटेश ने एक छोर को पकड़े रखा और जमकर बल्लेबाजी की। जहां एक और कोलकाता के बाकी खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के सामने घुटने टेकते नजर आए, वहीं एक एंड से वेंकटेश अय्यर ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के धागे खोलकर रख दिए और साबित किया कि क्यों वो कोलकाता नाइट राइडर्स की बैकबोन कहे जाते हैं। बल्लेबाजी को देखकर उनको टीम इंडिया में लेने की मांग उठने लगी है। शादी की जहां एक तरफ जहां इंडियन टीम के कई स्टार परफॉर्मर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो वहीं अब वेंकटेश अय्यर के इस गाड़ी को देखकर ये सवाल उठना शुरू हो चुका है कि क्या उनको टीम इंडिया में जगह मिल सकती है और कब तक ऐसी ही आईपीएल के सुपरस्टारों को टीम इंडिया नजरअंदाज करती रहेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वेंकटेश अय्यर के इस पारी से इंडियन टीम के सिलेक्टर्स प्रभावित हो पाते हैं या नहीं, या अभी भी वेंकटेश को इंडियन टीम में जगह बनाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वेंकटेश के इस शतक से कोलकाता मुंबई को हराने में सफल हो पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।